अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार मेरा हो गया है गला थोड़ा सा खराब और आगे चलकर आप लोगों को थोड़ा मसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि यार मुझे बहुत ज्यादा जुकाम भी है, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक पर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन दो चार दिन से मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज देखी। यकीन करो यार, बहुत ज्यादा अफसोस होता है पाकिस्तानी लोगों पर और पाकिस्तान पर। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं या मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है व्हाई पाकिस्तान डजंट सपोर्ट टैलेंट। पाकिस्तान टैलेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करता, हुनर को क्यों नहीं सपोर्ट करता। यार जो टैलेंटेड बंदे हैं वो बेचारे पड़े हैं रोडों पर, और जिनको कुछ नहीं आता, ऐसे बी तक जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग फाइव स्टार होटल में ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं ना। और जो टैलेंटेड बंदे हैं वो बेचारे रोटी खाने से हलाक, पानी पीने से हलाक। यकीन करो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। ऐसी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी थी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। कराची का एक बंदा था जो कि जोकर की ड्रेस में था, क्राउन की ड्रेस में था। उसका एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा मैं जोकर हूँ, बच्चों को हंसाता हूँ। उसने पूछा और क्या करते हो भाई, उसने बताया कि यार मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो उसकी आवाज जो है ना वो आप लोग खुद देख लीजिए, आइए वो वीडियो साथ में देखते हैं। थोड़ी कर रहे, कुछ चोरी डकैती थोड़ी कर रहे। हाँ, बच्चों को हंसा रहे हो, हंसाने का काम कर रहे हो कराची में है। इसके अलावा क्या करते हो? सिंगिंग करता हूँ मैं। सिंगिंग करते हो, फिर कुछ हो जाए जोकर साहब है, फिर कुछ हो जाए, सुनाओ कोई अपनी पसंद का सुना दो। अच्छा अच्छा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, हो रूठे बच्चे की हंसी जैसे उस लाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसी लगन इस लम। कैसा लगा आप लोगों को? ऐसी आवाज का मालिक बेचारा गलियों में घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, तो बेचारा जोकर बनकर अपना पेट पाल रहा है। नहीं, कहां गए पाकिस्तान के वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, कहां गए मिस्टर कासिम अली? बता रहा हूँ इनकी मदद करने, इस टाइम इनको सपोर्ट करने कोई भी नहीं आएगा। ये जो होते हैं ना पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स, आगे अपने नाम के लगाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बायोडाटा में। अबे कोई बायोडाटा में मोटिवेशनल स्पीकर लगाने से कोई बन नहीं जाता, काम भी वही होना चाहिए। अब आप लोग अपनी स्पीचेस में बोलते हो कि यार बनने में टैलेंट होना चाहिए, कुछ हिम्मत होनी चाहिए कर दिखाने की, तो भाई साहब ये रहा वो टैलेंट जो गलियों में घूमता फिर रहा है, तो यहाँ पर इसको संभालने वाला कोई नहीं, यहाँ पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। और अब जो काम म्यूजिक डायरेक्टर्स को करना चाहिए ना, वो बेचारी ऑडियंस करती है। सोशल मीडिया का वो पावर है जो एक बंदा जमीन पर है उसको आसमान पर ले जाती है, और ये सब किसकी बदौलत होता है? ऑडियंस की बदौलत। आई लव यू यार, कसम से बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। ऑडियंस जो है ना सोशल मीडिया का पावर है ना, मतलब ये जो कम्युनिटी है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ गई है पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मिसेज मेविश हयात के बारे में। इसकी मैंने एक बात सुनी थी और यार मैंने खुद भी न्यूज में देखा था। एक जो बेचारा किसान था, मजदूर था बेचारा, ठीक है, एक विलेज में काम करता था, उसकी एक अपनी जमीन थी, उसने अपनी जमीन बेचकर जो उसके पास पैसे आए जमीन वाले, उस मजदूर ने, उस बंदे ने प्लेन बनाया था अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, और वो प्लेन काफी हद तक बन भी चुका था। तो वहां पर होता क्या है, उस गांव में आती है पुलिस, और पुलिस के साथ साथ मेविश हयात भी वहां पर आ टपकती है। आज तक मुझे समझ नहीं आता कि यार मेविश हयात का इस केस से क्या ताल्लुक था और क्या लेना देना था जो पुलिस मेविश हयात को सीधा लेकर आई थी। आप लोग ये वीडियो न्यूज यूट्यूब पर भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर ही देखी थी, आई थिंक 2 साल पहले, हाँ 2020 में मैंने ये न्यूज देखी थी। पुलिस के साथ साथ मेविश हयात भी उस गांव में गई और उस मजदूर से कहा, ये जो अभी आपने प्लॉट सेल किया, ये जो जमीन सेल की, ये इलीगल थी, ये जो आपने जमीन सेल करके पैसे लिए है ना वो भी हमें वापस करने पड़ेंगे, और ये जो आपने जहाज बनाया है ये भी हमें अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा, और ये जो आपने जमीन सेल की है ना इस जुर्म में, इलीगल जमीन सेल करने के जुर्म में आपको पुलिस के साथ जाना पड़ेगा। तो वो बंदा हो गया लॉकअप में बंद, जहाज भी गया, जमीन भी गई,
ऊपर से जुर्माना भी भरना पड़ा, पैसे बहुत सारे। यह है पाकिस्तान का हाल। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी रिसेंटली, जो कि अपने गांव से एक लड़का काम ढूंढने आया था कराची और इस्लामाबाद में, तो उसके साथ भी क्या हुआ, वो आपसीन हो गए। जो पहली बार बेचारा शहर में आया था काम ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत फेमस हो गया, लेकिन आगे चलते चलते कुछ लोगों ने इसका क्या हशर किया वो भी आप लोग खुद देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद एहसान और मैं गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता हूँ। तो ये मेरे डीसी साहब हमजा शफकाल साहब ने मुझे ये परमिट दिया था कि स्टेचू बनने के बाद मुझे ये मतलब अवार्ड के तौर पे मिला गया था। मुझे काम, एक नया काम मैंने पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया था, तो ये काम स्टार्ट करने के मैं करता रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा यार जा रहा था। तो इस्लामाबाद के अंदर जब मैं काम करता था लोग भी अच्छे बिल्कुल कर रहे थे। बीच में अभी एक स्टील मैन आया है, तो बीच में मैं उसको मैंने मैंने उसको मना किया, यार भाई आप इधर मैं काम करता हूँ, आप ना दूसरे सेक्टर चले जाएं, उधर जाके करें। तो वो बीच में चला भी गया, फिर बीच में आ रहा है, वो मुझे तंग कर रहा था। बीच में धमकी भी दी इनने कि मैं 30 रुपये वाली गोलियाँ लेके मैं तुझे मार दूंगा। एक लेडीज को बता रहा था कि मैं भी इसको मैं मारूंगा, गोलियाँ मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो लेडीज ने मुझे बताया, मैंने बोला कि आप गवाही देंगी, वो कह रही हाँ मैं गवाही दूंगी। इसके अलावा फिर आज मेरे साथ, मैं इधर सुपर जिना मार्केट के अंदर खड़ा था, तो उधर बंदे आए हैं, 12 बंदे लाया, उन्होंने 3-4 बंदों ने मुझे मारा और ये देखे कपड़े मेरे फाड़ दिए। फिर मैं जब थाने गया हूँ तो मैंने बोला मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखाता हूँ, तो थाने गया हूँ तो अनवर नाम का और एक शफीक नाम का पुलिस अफसर है, तो उन लोगों ने मेरे को सीधे इधर गुस्सा मारा। तो भाई लोगों बताओ और खुद डिसाइड करो कि क्या होगा इन बेचारों का और क्या होगा पाकिस्तान का आगे चलकर। यही काम जो कि बाहर के मुल्कों में होता है, बाहर के मुल्कों में से स्टैचू बनकर खड़े रहते हैं, डांस स्टेप्स करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि उनको ज्यादा लोग अटेंशन देते हैं और ऐसे कैमरा लेकर उसको कैप्चर करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में करता है उनको पैसों की जगह, इज्जत की जगह मार मिलती है, डंडे मिलते हैं, बेइज्जती मिलती है, इनके सिवाय उसको कुछ नहीं मिलता। और इन सबके बाद सारी अटेंशन, सारा फेम कौन ले जाता है, ये हम में, ये हमारी फाड़ी हो रही जैसी चूतिया लड़कियां। बीच में आया था पीछे देखो वाले चूतिए बच्चे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई है, अगर आप लोग मुझसे थोड़ा सा भी एग्री करते हो, इतना सा भी एग्री करते हो ना, तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।